हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। मैं हूं अमित, आपका होस्ट। और अभी हम लोग चल रहे हैं हुनर हाट, जो कि है अवध शिल्पग्राम के पास में लगा हुआ, अवध शिल्पग्राम। तो अभी हम लोग शहीद पथ से हमने एग्ज़िट लिया है। ये हमने अवध विहार योजना वाला एग्ज़िट लिया, आप देख सकते हैं। ये देखिए, अवध विहार योजना वाला एग्ज़िट है। एंड यहाँ से अभी मैं राइट लूँगा तो गोल सिटी के लिए भी यही रास्ता है, आप हमारे वीडियोज़ में पहले देख चुके हैं। तो अभी यहाँ से हम लोग राइट लेंगे, एंड जैसे ही हम राइट लेंगे अवध विहार योजना की तरफ हम जाएंगे। तो ये शहीद पथ हम क्रॉस करके नीचे से इधर की तरफ आ गए हैं। एंड फ्रेंड्स, हम लोग वहाँ से लेफ्ट हो चुके हैं। तो ये देख सकते हैं आप, अवध विहार योजना वाले फ्लैट्स आपको देख रहे हैं, मेदांता की तरफ है। और यहाँ पर आपको पूरा दिख जाएगा हुनर हाट की शॉप्स। तो ये देख सकते हैं पूरा काफ़ी बड़ा सा लगा हुआ है। एंड अभी हम लोग चलते हैं, गाड़ी को पार्क करेंगे एंड देन चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं आपको आगे का, अंदर का पूरा कैसा है। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हम लोग हैं हुनर हाट पे और आपको दिखाते हैं यहाँ पे कैसा है। और अभी हम लोग आए थे थोड़ा ऐसे ही देखने के लिए हुनर हाट। ये अवध शिल्पग्राम के पास लगा हुआ है और मेदांता हॉस्पिटल की तरफ है। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको बाकी के डिटेल्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग अंदर आ चुके हैं। पीछे आप देख सकते हैं हैशटैग हुनर हाट लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड में देखिए विश्वकर्मा वाटिका है एंड काफ़ी बढ़िया। और भी इधर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी लगा हुआ है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको पूरा और चलिए अंदर चलते हैं। फिर सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा इंस्टेंट नोटिफिकेशन के लिए। और ऐसे ही हमारे लखनऊ सिटी पे और भी वीडियोस आते रहेंगे। तो आइए चलिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एंट्रेंस है और राइट साइड में आप देख सकते हैं ये विश्वकर्मा वाटिका। और यहाँ पर आप सेल्फी ले सकते हैं हुनर हाट, काफ़ी बढ़िया लगा है। दोनों साइड में ये देखिए बना हुआ है और इस तरफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से वोकल फॉर लोकल के लिए एंड काफ़ी सारा बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं अलग अलग जगह का। तो चलिए अंदर चलते हैं, दिखाते हैं हार्ट में विश्वकर्मा वाटिका। ये चलते हैं अंदर और सामने विश्वकर्मा जी की मूर्ति लगी है और ये देखिए सारे आइटम्स हैं अलग अलग। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे बना हुआ है, सारे जो मशीनरी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ये देखिए विश्वकर्मा जी की फ़ोटो पीछे मेरे और बहुत सारी और भी जो मशीन से रिलेटेड, आप सब जानते हैं कि मशीन से रिलेटेड है, उनका तो उसी तरह दिया हुआ है। और एक ये देख सकते हैं यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान ये लिखा हुआ है, 110 करोड़ वैक्सीन जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम चल रहा है उसका दिया है। और ये देखिए काकोरी कांड जो लखनऊ का फेमस है और वहाँ के बारे वो भी दिया हुआ है, देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है। और आप यहाँ पे सेल्फी लेंगे काफ़ी अच्छा लगेगा और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था इतना बढ़िया बनाएंगे, काफ़ी अच्छा है। इधर देख सकते हैं 1857 वाला। तो ये पूरा हमारा विश्वकर्मा वाटिका, वहाँ से हम लोग एंट्री लिए थे उधर से और यहाँ से अपना पूरा घूम के और यहाँ से आप देख सकते हैं एग्जिट ले सकते हैं, यहाँ पूरी मार्केट है आगे। तो चलिए चलते हैं दिखाते हैं आपको। तो इस तरीके की मार्केट आपको मिल जाएगी और उधर खाने पीने की चीज़ें हैं लास्ट में। और बीच में देख सकते हैं आप ये शॉल और कालीन वालीन है पूरे में। फ्रेंड्स, ये देखिए खाने वाली यहाँ पे सारे आइटम्स लगे हुए हैं और फूड कोर्ट टाइप का बना है। और ये देख सकते हैं जगह जगह पे आपको डस्टबिन मिल जाते हैं। ये देखिए डस्टबिन थोड़ी थोड़ी दूर पर लगे हैं एंड प्लीज़ सफाई आप लोग बनाए रखिए, मेरा यही है कहना आपसे। तो इधर ये नॉनवेज का पूरा आइटम है और आगे देखते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो लोकल जो हमारी शॉप्स हैं, लोकल वेंडर्स हैं, तो वोकल फॉर लोकल का जो मिशन है गवर्नमेंट का, उससे उसकी वजह से आप देख सकते हैं पूरा जिस तरीके का इन्होंने करे हैं शॉप्स लोकल वाली, उसको प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे। और काफ़ी नीट एंड क्लीन है, डस्टबिन बहुत सारे हैं और खाने का जहाँ पर आपको शॉप्स हैं वहाँ पर जगह भी बने हुए हैं। और ये देखिए वुडन आइटम्स भी हैं।
तो फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पे खाया थोड़ा, कचौड़ी खाई, टिक्की खाई, दाबेली खाई, काफ़ी टेस्ट अच्छा था। राजस्थान वाला भी काउंटर लगा हुआ मेरे पीछे की साइड में, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। और कुमार सानू जी भी आए थे कुछ दिन पहले, आई थिंक परसों आए थे। और यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं और स्टेज लगा है पीछे की तरफ, एंड काफ़ी बढ़िया सीटिंग का भी है। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे एंट्रेंस का कोई टिकट नहीं है, जस्ट आपको अपनी कार से, अगर आप आ रहे हैं अपनी गाड़ी से, तो कार पार्किंग का 30 रुपीज़ चार्ज है, एंड वो भी आपको उसका टोकन मिल जाएगा। तो काफ़ी क्लीननेस है जैसा कि मैंने आपको दिखाया पूरे में। एंड ये देख सकते हैं पीछे की साइड में कभी वहाँ पे गांव टाइप का कुछ बनाया हुआ है, तो वो भी मैं आपको चल के दिखाता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे सितार और ऐसे ही काफ़ी अच्छे अच्छे मॉडल्स रखे हुए हैं जहाँ पे आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। और तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको आगे का हमारा ये देखिए ऊपर लिखा 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव, मेरा गाँव मेरा देश। तो गांव का एक्चुअली एक थोड़ा सा वो बनाया हुआ है मॉडल। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे। एंड ये देखिए स्टार्टिंग में ही हैंड सैनिटाइज़र लगाया हुआ है। और ये देखिए छोटे छोटे चीज़ें इधर, और यहाँ पे भी आपको जो गांव में एक्चुअली ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं वो सारी दी हुई हैं। तो जैसे जलेबी है, रबड़ी और काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें, देख के आपको मुँह में पानी आ जाएगा। हैं मेरे पीछे की तरफ ये पूरा गांव वाला एरिया बनाया हुआ है। हमने पान खाया है, फायर पान आपने देखा, एंड टेस्ट काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा पहले आग वाला टेस्ट आता है, एंड देन आपको नॉर्मल मीठा पान जो होता है वैसे जैसे नॉर्मली हर जगह होता है, तो टेस्ट ठीक है। और भैया से मैंने पूछा तो वो रामपुर से हैं। फ्रेंड्स ये देखिए अभी थोड़ा म्यूज़िक वाला स्टार्ट हो रहा है, तो ठीक है। और आप देख रहे हैं काफ़ी सारे कार्टून कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं, ये देखिए आपको वुडन का काफ़ी आइटम मिल जाएगा। ये देखिए ये जैसे अपने जो चेयर्स हैं और ये बेड्स हैं, तो एक्चुअली पूरा महोत्सव की तरह है ये। और यहाँ पे काफ़ी सारे आइटम्स देख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं कपड़े से रिलेटेड, वुडन आइटम काफ़ी ज़्यादा है। और ये बीच में देख सकते हैं ढोलक बनी हुई है, ये देखिए इस चौराहा टाइप का बना है, यहाँ पर ढोलक है। और सामने से एकदम एंट्रेंस है, और इस साइड में एकदम जस्ट पीछे आपको यहाँ पर जो अपार्टमेंट्स हैं उसी के पास ये स्टेज लगा हुआ है, वहीं पर प्रोग्राम्स होते हैं। आप देख सकते हैं बहुत काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा अशोक स्तंभ है, और ये देखिए ये भी बनाया हुआ है, यहाँ पे एंट्रेंस है यहाँ से, ये देखिए एंट्रेंस ये है, एंड इसी के जस्ट राइट साइड में यहाँ पे है ये। और पूरे में देख सकते हैं आप मार्केट है, ये देखिए पूरे में मार्केट है, और खाने पीने की भी काफ़ी चीज़ें हैं, लकड़ी की भी वुडन वर्क काफ़ी है। और यूपी वेस्ट के भी मैंने देखा, रामपुर सहारनपुर की तरफ से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, और आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो हुनर हाट का? और ये हम लोग अवध शिल्पग्राम से आपको दिखा रहे थे, और मेरांता हॉस्पिटल है हमारे राइट साइड में। तो जब आप आ रहे हैं शहीद पथ से तो मेरांता हॉस्पिटल की तरफ आना है, अवध शिल्पग्राम से थोड़ा राइट साइड में है। सो गाइस आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आप फर्स्ट टाइम है हमारे चैनल पर। और इसी तरह की वीडियोज़ लखनऊ सिटी पर और भी बहुत सारी आप हमारे चैनल पर देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो टिल देन प्लीज़ स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।